नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 28th of September 2024, जो वीक दैट मींस 23rd to 27th वीक जो अभी चला गया है, उसका कैसे करेंसी पेयर बिहेव किया एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 18th ऑफ सितंबर को एफओएमसी रेट डिसीशंस था, जहां पे फेड ने 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया एंड उसके बाद ये जो वीक गया है दैट इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि आफ्टर द रेट कट हाउ द करेंसीज बिहेव उसका ऊपर हमारा एक नजर था। अभी ये जो वीकली कैंडल बना हुआ है, इट्स ए टाइप ऑफ स्पिनिंग टॉप, ऑल्दो द प्राइस रिजेक्शंस एट द लोअर एंड आर लिटिल बिट स्मॉलर इन साइज, यानी यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ पॉज है although red in color. So, अगर हम broader perspective देखेंगे कि November 2022 से till date, that means दो साल almost 2 years, currency dollar index जो है वो एक range के अंदर में है, जहाँ पे 107.00 से 107.50 on the higher side and 99.75 से 101.00 के बीच में करेंसीज ने मींस डॉलर इंडेक्स मूव किया। अभी काफी समय के बाद ये सपोर्ट जोन को हिट कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे क्या ये कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन करेगा या आपका कंसोलिडेट करेगा या कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगा, ये 3 प्रोबेबिलिटीज है। बट एक जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है कि आरएसआई वीकली आरएसआई बिलो 60, बाय दैट वीकली आरएसआई इज बिलो 40, दैट मींस यहां पे बियरिशनेस जारी है। दैट बीइंग द केस, यहां पे हायर प्रोबेबिलिटीज है कि डॉलर इंडेक्स अभी ये जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक डाउन करके नीचे जाने का प्रयास करने वाला है, लेकिन सिर्फ एंटिसिपेट करने से नहीं होगा। हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है कॉन्फर्मेशंस का। क्या कॉन्फर्मेशंस का? डॉलर इंडेक्स के लिए हमें एक रेड कैंडल यानी नेगेटिव कैंडल चाहिए ब्रेकिंग बिलो द सपोर्ट जोन। ऐसा इस टाइप का अगर एक कैंडल बनते हैं एंड उसके बाद वाले हफ्ते में इसके नीचे फॉलो थ्रू मिलते हैं, इन सच ए केस डॉलर इंडेक्स में एक बढ़िया सा डाउनवर्ड प्रेशर हम देख सकते हैं, जहां पे एक्सपेक्टेशंस ये है कि 92.00 के तरफ डॉलर इंडेक्स जा सकते हैं। लेकिन अभी का जो प्राइस बिहेवियर है इसमें हमें कॉन्फर्मेशंस चाहिए। जब तक कॉन्फर्मेशंस नहीं मिलता है हमें केयरफुली मॉनिटर करना है। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर वीकली में क्या हुआ है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, ओपन एट 1.3317 विथ एन इंट्रा वीक लो ऑफ 1.3248 एंड इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.3434, फाइनली क्लोज एट 1.3367। ये जो कैंडल बनाया हुआ है ये भी एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है अबोव द much awaited resistance level. कौन सा रेजिस्टेंस लेवल? 1.32 का। उसके बाद जो हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है वो है आपका 1.36 से 1.3650 का, यानी प्राइस जीबीपी डॉलर, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि जीबीपी डॉलर में मूव अपवर्ड टूवर्ड्स 1.3650। इसका मतलब ये नहीं कि मंडे को जाके बाई करना है, प्राइस एक्शंस ऑन द लोअर टाइम फ्रेम पे बाइंग इंडिकेशंस के साथ देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में भी एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है जो आपका 26 अगस्त के हाई के ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे अगर हम मंथली पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो जीबीपी आईएनआर ऑल टाइम हाई पे, ऑल टाइम हाई मींस ऑल टाइम हाई। यहाँ पे एक रेंज था ऑल टाइम हाई जो आपका 2013
अगस्त एंड सितंबर 2013 में जो टॉप बनाया था उसको पिछले 2 महीने में कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है विद स्ट्रॉन्ग मंथली पॉजिटिव कैंडल के साथ। दैट बीइंग द केस, आने वाले समय में जीबीपी आईएनआर इज एक्सपेक्टेड टू हेड टुवर्ड्स 131-132। लेकिन इमीडिएटली नहीं आने वाला है, मंथली चार्ट है, इट मे टेक 6 to 9 months और इवन मोर देन दैट वन। सो इसके कारण हमें लोअर टाइम फ्रेम पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। यहाँ पे और भी चीज देखने का, क्या वीकली जो जीबीपी डॉल जीबीपी आईएनआर है अबव 60, दैट मींस ये एक सुपर बुलिश टेरिटरी में सस्टेन कर रहे हैं। अभी हम आते हैं यूरो डॉलर, यूरो डॉलर पे जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट था 26 अगस्त वाला जो वीकली कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं, इन सच ए केस वी आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट रेजिस्टेंस एट द स्विंग हाई दैट इज 1.1280, जो आपका जुलाई 23 वाला वीक में गया था पहला यहाँ पे, एंड इस जोन को भी क्लियर करते हैं इन सच केस 1.1650 के तरफ मूव करने का एक्सपेक्टेशन से। उसका मेन कंडीशंस क्या है, 26 अगस्त का जो वीकली नेगेटिव कैंडल है इसके हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देना चाहिए। लास्ट वीक में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है, प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू एंड्स एट ए स्विंग हाई। ये जो डोजी कैंडल है या स्पिनिंग टॉप कैंडल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इट्स अ पॉज कैंडल, हाई के ऊपर कंटिन्यूएशन, लो के नीचे पुल बैक। सो हमें अभी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक में यूरो डॉलर क्या ये लास्ट वीक का हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं। सिर्फ जाने से नहीं होगा, जाके कभी कभी फिर नीचे भी काफी शार्प नीचे की तरफ पुल बैक आ सकते हैं, इसीलिए इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं देन थोड़ा सा बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल दैट टाइम वी नीड टू सी लास्ट वीक का हाई को तोड़ते हैं फॉर एन अपवर्ड बायस या लो को तोड़ते हैं नीचे की तरफ फॉर ए डाउनवर्ड प्रेशर। नेक्स्ट आते हैं यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर में भी ए एक स्पिनिंग टॉप टाइप ऑफ कैंडल, ऑल्दो ग्रीन इन कलर, प्राइस रिजेक्शंस मेनली एट द लोअर एंड, अपर एंड पे मॉडरेट प्राइस रिजेक्शंस हुआ। एंड देखने वाला बात ये है कि 26 अगस्त का जो हाई है उसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ तोड़ नहीं पाया, अगर इसके हाई को तोड़ते हैं इन सच ए केस हम जो देखेंगे ये यूरो आईएनआर का ऑल टाइम हाई, ऑलरेडी फॉर लास्ट 2 months इट इज देयर। सो इन सच ए केस बुलिशनेस के कारण यूरो आईएनआर में मूव टूवर्ड्स 106.50, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस कॉन्फर्मेशन चाहिए। क्या प्राइस कॉन्फर्मेशन चाहिए, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन। डॉलर येन में लास्ट वीक में प्राइस काफी ऊपर की तरफ बाउंस बैक किया था विद एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 146.50, बट कुडंट सस्टेन द हायर रेंज एंड क्लोज्ड एट द लोएस्ट लेवल एट 142.15। दैट बीइंग द केस दिस हैज मेड ए बियरिश कैंडल, ये जो कैंडल है बियरिश कैंडल में फॉर्म हुआ है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे हमें डॉलर येन में लोअर टाइम फ्रेम में जाके सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए। यहाँ पे वीकली कैंडल में भी अगर देखना है तो आरएसआई, वीकली आरएसआई इज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मींस ऑलमोस्ट 9 week, 9 week से ये बिलो 40 यानी बियरिशनेस यहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं, और एक बार अगर 16 सितंबर के लो के नीचे सस्टेन कर जाते हैं तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ हमें ड्रिफ्ट मिल सकते हैं। येन आईएनआर सिमिलरली बोले तो जस्ट द रिवर्स वन ऑफ डॉलर येन, यहाँ पे लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया हुआ है,
weekly RSI taking support at 60. That being the case, ये जो 16 सितंबर का हाई है, इसके हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं. In such a case, ENINR may move upward towards 0.63-0.6350 के तरफ. Next is डॉलर कैंडी. डॉलर कैंडी में जैसे कि हमारा expectations था इस लेवल पे जब था 26 अगस्त then 22nd सितंबर, तो ये रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट क्या रेस्पेक्ट करता है, और अगर रेस्पेक्ट करता है क्या ये 26 अगस्त के लो के नीचे जाते हैं. यहाँ पे करंट वीक में 26 अगस्त के लो के नीचे गया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, दोबारा ये ऊपर जाके क्लोज दिया. सो अभी हमें दोबारा लास्ट वीक का लो के नीचे एक डाउनवर्ड प्रेशर इन कैनेडियन डॉलर मींस डॉलर कैंडी में मैं भी टुवर्ड्स 1.3250 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. उसके लिए लास्ट वीक का दैट मींस ये जो हफ्ता गया है उसके लो के नीचे सस्टेन करना है. ऑसी डॉलर में ये लास्ट वीक में हम ये देख रहे थे कि RSI इज बिलो 60. क्या ये इसको अगर ऊपर जाना था तो RSI को अबव 60 जाना है, एंड यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी ब्रेकआउट करना है. ये RSI तो अबव 60 गया है लेकिन ये जो क्लोजिंग है क्लोजिंग एट जस्ट एट द रेजिस्टेंस लेवल. तो मंडे ऑनवर्ड्स अगर ऑसी डॉलर को ऊपर की तरफ मूव करना है इन सच ए केस लास्ट वीक के हाई के ऊपर सस्टेन करना है, देन एंड ओनली देन हमारा जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस होगा 0.7050 से 0.7150 के तरफ. अभी आते हैं CNH में बहुत बढ़िया सा डाउनवर्ड मिस CNH में एप्रिसिएशन देखा गया. उसका मेन रीजन क्या था, लॉट्स ऑफ मेजर्स इकोनॉमिक मेजर्स फाइनेंशियल मेजर्स PBOC has initiated to boost the economy. जिसके कारण करेंसी में काफी एप्रिसिएशन देखा गया. अभी पहले हमारा ये देखना था, पहले बोले तो 3 सितंबर या 9 सितंबर का हमारा जो वीकली क्लोजिंग के बाद जो हमारा एनालिसिस था उसमें हम ये देखना चाहते थे क्या ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आता है या रेजिस्टेंस को तोड़ के ये फिर ऊपर की तरफ W पैटर्न बना के जाते हैं. बेसिकली आई वाज वेटिंग फॉर ए W फॉर्मेशन अबव द रेजिस्टेंस लेवल फॉर एन अपवर्ड बायस. उसका मेन रीजन क्या था, चाइनीज इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, लेकिन ड्यू टू द मेजर्स मींस द लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेजर्स इनिशिएटेड बाय PBOC जिसके कारण करेंसी में अभी काफी एप्रिसिएशन देखा गया. इट क्लोज एट 6.9940. व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें चाइनीज इकोनॉमी को फॉलो करना है. क्या ये आपका जितना भी मेजर्स लिया गया है ऑल दिस मेजर्स आर सफिशिएंट एनफ टू बूस्ट द इकोनॉमी और वंस अगेन इट फेल्स टू बूस्ट द इकोनॉमी. तो जिसके ऊपर हम देखेंगे करेंसी कैसे बिहेव करते हैं. ब्रेंट क्रूड क्रैश कैश चार्ट जो है यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है बट प्राइस रिजेक्शंस एट बोथ द टू एंड्स. ये सपोर्ट लेवल पे एक मॉर्निंग स्टार बनाया था जिसके कारण हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि ब्रेंट क्रूड में मूव टुवर्ड्स 78 और 78.50, लेकिन लास्ट वीक में अच्छा खासा नेगेटिविटी देखा गया ब्रेंट क्रूड में. अगर चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव करते हैं इन सच ए केस देयर विल बी अ डिमांड इन क्रूड ऑयल. अगर चाइनीज इकोनॉमी फेल्स टू सस्टेन परफॉर्म देन डिमांड फॉर ब्रेंट क्रूड विल रिड्यूस एंड इन सच ए केस हमें एक डाउनवर्ड प्रेशर देख सकते हैं. तो चाइनीज इकोनॉमी के साथ ब्रेंट क्रूड का भी एक अनोखा रिश्ता बन चुका है. अभी आते हैं यूएस टेन ईयर ट्रेजरी में आपका लास्ट वीक में एक डोजी एक छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है टेकिंग रेजिस्टेंस एट द दिस ग्रीन जोन. अभी हमें देखना है कि इस टाइप में रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आते हैं. इन सच ए केस हमें एक डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलेगा जिसके लिए 16 सितंबर एंड 9 सितंबर का जो लो है इसके लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं इन सच ए केस US 10 year treasury may move down towards 6.3.32 and finally towards
2.60। उसके लिए हमें प्राइस कंफर्मेशंस एट डिफरेंट लेवल्स देखना है। यूएस टू ईयर ट्रेजरी एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है एट द मींस प्रीवियस सपोर्ट लेवल। अभी जैसे ही आपका 16 सितंबर का लो एंड लास्ट वीक का लो के नीचे स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल देते हैं, इन सच केस टू ईयर ट्रेजरी में मूव डाउन टुवर्ड्स 2.81। ये हो गया टू ईयर ट्रेजरी एंड 10 ईयर ट्रेजरी। एंड फाइनली इज आवर डॉलर रुपी। डॉलर रुपी लास्ट वीक में एक अच्छा खासा मीन्स ऊपर की तरफ बाउंस बैक देखा गया फ्रॉम एन इंट्रा वीक लो ऑफ 83.44। इट क्लोज्ड एट 83.65। अभी ये जो कैंडल लास्ट वीक का जो ग्रीन कैंडल, ये बिकम्स क्रूशियल क्योंकि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर में नॉट एग्जैक्टली द इनसाइड बार बट टू ए मींस सर्टेन एक्सटेंट इट वी कैन ट्रीट इट एज ए इनसाइड बार, जिसके कारण ये लास्ट वीक के लो के नीचे अगर मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर रुपी स्टार्ट्स ट्रेडिंग इन सच ए केस रुपी में मूव डाउन फर्स्ट टुवर्ड्स 83.30 देन मेबी टुवर्ड्स 83.10। लेकिन यहाँ पे हमें इनविजिबल हैंड्स का प्रेजेंस को केयरफुली मॉनिटर करना है। क्या उन लोगों का जो स्टैंड है रुपी को ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होने देना, वो स्टैंड में उन लोगों का इज आर दे गोइंग टू कंटिन्यू द सेम स्टैंड और दे आर गोइंग टू चेंज देयर स्टैंड। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। विशिंग यू ए नाइस वीकेंड। मंडे ऑनवर्ड्स come out with new energy to face the market volatility. Thank you and bye-bye.